नमस्कार, पूरी दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। नेपाल में 10,000 तक जा सकता है मौत का आंकड़ा, कोइराला ने कहा। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि नेपाल में आए घातक भूकंप से कम 8,00,000 लोगों के जीवन पर असर पड़ा है और उन्हें तत्काल राहत सामग्रियों में प्लास्टिक शीट, साफ पानी, साबुन और दवाओं की जरूरत है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भूकंप से मृतकों की तादाद बढ़कर 10,000 तक पहुँच सकती है। कोइराला ने कहा कि सरकार पीड़ितों और घायलों को हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे सामने राहत कार्य अभियान को लेकर काफी दिक्कतें आ रही हैं। पाकिस्तान में भूकंप के झटके, लोगों में दहशत। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई हिस्सों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 आंकी गई। पाकिस्तान मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इस भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान सीमा के पास हिंदूकुश की पहाड़ियों में 144 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप के झटके प्रांत के मालाकंद, स्वात, ऊपरी एवं निचले दीर जिलों में महसूस किए गए। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान प्रांत में 7.7 तीव्रता का एक भूकंप आया था। उस भूकंप में लगभग 500 लोग मारे गए थे। साक्षी महाराज के बिगड़े बोल, कहा राहुल की केदारनाथ यात्रा से आया भूकंप। अपने बयानों के लिए हमेशा विवादों में रहने वाले भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर ऐसा ही बयान दिया है। साक्षी महाराज ने नेपाल में आए भूकंप के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राहुल गोमांस खाते हैं और खुद को पवित्र किए बिना केदारनाथ गए, इसीलिए नेपाल में भूकंप आया है। शोभा डे को सुप्रीम कोर्ट से राहत। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लेखिका शोभा डे के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस पर रोक लगा दी है। अध्यक्ष ने प्राइम टाइम में मल्टीप्लेक्स में मराठी फिल्मों की स्क्रीनिंग को अनिवार्य बनाए जाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर ट्वीट करने को लेकर यह नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी पंत की पीठ ने डे की याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किया और 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। यह आदेश शिवसेना के एक विधायक द्वारा डे के खिलाफ शिकायत किए जाने पर जारी किया गया है, जिसमें विधायक ने कहा था कि डे के ट्वीट ने मराठी भाषा और मराठी भाषी लोगों का अपमान किया है। मॉडल बलात्कार मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित। मुंबई में एक मॉडल के साथ बलात्कार और उससे जबरन वसूली के मामले में 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि ठीक तरीके से मामले से नहीं निपटने के चलते साकीनाका थाने के वरिष्ठ इंस्पेक्टर प्रसन्ना मोरे और झोन के DCP प्रशांत होलकर का तबादला कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उपनगरीय MIDC थाने में कार्यरत 3 पुलिसकर्मियों सुनील काटपे, सुरेश सूर्यवंशी और योगेश पांडे को निलंबित कर दिया गया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।